हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर कोरमा। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक पाव पनीर लिया, इसको छोटा छोटा करके काट दिया है। अब हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। तेल गर्म हो गया है, चलिए अब हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का गोल्डन कलर होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो गया है, चलिए अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हम इसे कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा, दो तेज़पत्ता, दो सूखा मिर्चा, उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। हमने दो प्याज को मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना लिया था। इसको लाल होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए लाल हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। हमने दो टमाटर को पीस के उसका ही पेस्ट बना लिया था। अब इसको भी हम थोड़ा देर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। अब इनको आपस में मिला के थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट। हमने थोड़े काजू को पीस के उसका पेस्ट बना लिया था। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इससे इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। अब हम इसमें हमारा पनीर को डाल देंगे और पनीर को अच्छी तरह से मसालों में मिला लेंगे। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। ये अब लगभग हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारा कोरमा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम इसे एक थाली में निकाल के सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा कोरमा बहुत ही कलरफुल लग रहा है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।